किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। राजस्थान के शाजापुर बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में वहां पर किसान जुट सकते हैं। एमपी और हरियाणा से भी अच्छी खासी तादाद में किसान वहां पर जुट सकते हैं और फिर वहां से वो आगे दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। दरअसल कल ही किसानों का ट्रैक्टर मार्च होना है और उसी को लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सड़कों पर कल 50,000 के करीब ट्रैक्टर वहां पर दिख सकते हैं। एक सरकार पर दबाव बनाने और साथ ही शक्ति प्रदर्शन का ये तरीका होगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, इससे पहले ही एक दिन पहले यहाँ पक्का निर्माण भी जो है वो कराया जा रहा है टिकरी बॉर्डर पर। तो यहाँ एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की एक तरह से स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये टेलर है, क्योंकि 26 जनवरी को जो तमाम किसान हैं वो ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। उससे पहले एक टेलर ट्रैक्टर रैली के जरिए ये दिखाने की कोशिश है कि हमारी मांगों को आप मानिए, नहीं तो इसी तरह से हम बॉर्डर पे डटे रहेंगे, यहाँ तक कि पक्का निर्माण करेंगे और घर भी बनाएंगे और कमरे बनाकर वहाँ रहेंगे भी। चलिए अगली बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं शालिनी का। शालिनी, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालने की तैयारी है, उसी के मद्देनजर प्रशासन अब अलर्ट पर है। अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर के अलर्ट पर प्रशासन। सिंघू बॉर्डर से लेकर के टिकरी बॉर्डर, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद दिखाई दे रही है। टिकरी बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी इसी के साथ कर दी गई है और देखिए शाजापुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहा यह जा रहा है किसान संगठनों की तरफ से कि 50,000 ट्रैक्टर ट्रॉली कल इस मार्च में हिस्सा लेंगे और उसी को देखते हुए प्रशासन कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, कोई भी हिलावाली नहीं करना चाहता है और यही वजह है कि हर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर दी गई है। हर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हर्षा इसके पहले हमने देखा भी था किस तरह से शाजापुर बॉर्डर के ऊपर जो किसान थे उनके और पुलिस बल के बीच में गतिरोध दिखाई दिया था। बड़ी दूर तक चले गए थे किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर के, वो स्थिति दोबारा ना आए इसीलिए। बिल्कुल शालिनी, केवल शाजापुर नहीं, आपने देखा होगा जब राकेश टिकैत रामपुर गए थे तब भी उत्तराखंड की सीमा पे जो बाजपुर इलाका लगता है, बाजपुर से लाखों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करना चाहता था, गाजीपुर बॉर्डर आना चाहता था, वहां पर भी पुलिस को बल का उपयोग करना पड़ा क्योंकि वहां पर सीमा पे पुलिस ने रोका किसानों को। किसान माने नहीं, बैरिकेड तोड़ने पे उतारू थे, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के बैरिकेड तोड़ने को उतारू थे और यही वजह है कि पुलिस को बल का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त किसी भी तरह से 50,000 ट्रैक्टर ट्रॉली अगर पहुंचती है तो दिल्ली का मंजर बिल्कुल मुश्किलों भरा होगा। अभी ही लोगों को इतनी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप समझिए, कल अगर ट्रैक्टर ट्रॉली इतनी संख्या में आ जाती है, जगह जगह बॉर्डर्स पे अगर मार्च निकालते हैं तो लोगों को आवाजाही में कितनी समस्या आएगी। बिल्कुल, और शुरू से ही हमने आशा देखा है कि किस तरह से जो बुजुर्ग किसान है वो युवा किसानों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त पर जो बैरिकेड्स रहते हैं उसके पास जाकर युवा किसान अमूमन ये कोशिश करते हैं कि बैरिकेड्स तोड़ दिया जाए और स्थिति खराब करने की कोशिश ये रहती है, लेकिन वो तस्वीर कल ना नजर आए। एक बार हम सिंघू बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। हितेन और मलिका लगातार वहां पर मौजूद है। मलिका, सबसे ज्यादा किसानों की संख्या, बड़ी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पर ही दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन भी सिंघू बॉर्डर पर अलर्ट पर है। मलिका, बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट पर है और एक बड़ी खबर मैं आपको और बता दूं, ट्रैक्टर मार्च से, ट्रैक्टर रैली से जुड़ी हुई जिसका कार्यक्रम कल है उससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च के लिए तैयारी पूरी हो गई है और जिस टेंट सिटी की भी बात कर रहे थे हम, उसकी भी तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर से लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, जो कल ट्रैक्टर मार्च होना है उसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं तमाम बॉर्डर्स पर और क्योंकि सिंघू बॉर्डर एपी सेंटर है, हेडक्वार्टर माना जाता है, यहाँ पर तैयारियां अभी से ही पूरी हो चुकी है और तस्वीरें लगातार सिंघू बॉर्डर से लाइव मैं और हितेन आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल मल्लिका, देखिए 500 ट्रैक्टर यहाँ से रवाना होने हैं, 500 ट्रैक्टर। अगर बात करें तो 200 ट्रैक्टर की तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर अभी हम दिखा रहे हैं। वो नरेला रोड वाला जत्ता जो है वो पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में जो है वो ट्रैक्टर तैयार कर दिए गए। कल सुबह 11 बजे का इंतजार हो रहा है कि वो नरेला रोड से होते हुए पीछे इस कुंडली बॉर्डर पर ज्वाइन हो जाए और यहाँ से जो ट्रैक्टर रवाना हो रहे हैं, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जो ट्रैक्टर रवाना होंगे 300 उसके साथ वो जुड़ेंगे और सीधे टिकरी के लिए रवाना होंगे। टिकरी बॉर्डर के बाद वो ट्रैक्टर जो है टिकरी से सारे ट्रैक्टर मिक्स होकर ये शाजापुर के लिए रवाना होंगे। शाजापुर में तो इस वक्त की बड़ी खबर किसानों के बहाने कांग्रेस ने सियासत तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकाल रही है, किसानों को लेकर कांग्रेस ने तेज की सियासत। मध्य प्रदेश में
सीहोर से रवाना हुई ट्रैक्टर रैली, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ट्रैक्टर पर सवार, कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली सीहोर से भोपाल रवाना। तो लगातार कांग्रेस इस आंदोलन को राजनीतिक रंग दे रही है और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह ट्रैक्टर पर सवार, कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली जो कि सीहोर से भोपाल रवाना, यानी किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश। और ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप इस वक्त हिंदुस्तान पर सबसे पहले देख रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ट्रैक्टर पर सवार, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्रैक्टर रैली निकाल रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस। तो इस वक्त कांग्रेस ने सियासत तेज कर दी है, किसानों के बहाने कांग्रेस ने सियासत तेज कर दी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकाल रही है और इस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।